अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ ऑफ फिरना। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक हैं। अल्लाह पाक आप सबको अपने रहमत के साए में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज का व्लॉग करते हैं शुरू। सबसे पहले रिक्वेस्ट, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को बर वक्त मिल सके। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया उनका तहे दिल से शुक्रिया, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लें और मज़े के व्लॉग इन्जॉय करें। तो सबसे पहले जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग हो गया, बहुत अच्छा सा गुड मॉर्निंग आप लोगों के लिए, और अल्लाह पाक आपका ये दिन बहुत अच्छा गुजरे और हर दिन ही अच्छा गुजरे मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स का, हर दिन ही अच्छा गुजरे उनके सदके मेरा भी अच्छा दिन गुजरे। और जी आज नाश्ते में मैंने ये ब्रेड और एग जो है, ब्रेड और अंडा का नाश्ता मैं कर रही हूँ। और जी ब्रेड को मैंने ब्राउन कर लिया है लाइट सा, साथ में अंडा फ्राई कर लिया है, और जी जैम लगाया है मैंने, और जी साथ में है चाय, और चाय भी दिखाती हूँ आपको। ये है जी चाय का कप मेरा, साथ में है जी ये नाश्ता है मेरा आज का। और चलें जी मैं करती हूँ नाश्ता। आज थोड़ा सा डिफरेंट किया है क्योंकि काफ़ी दिन से पराठा पराठा पराठा, कभी मूली वाला, कभी आलू वाला, और कभी साग पराठा, कभी जी सालन और पराठा भी था, अंडा पराठा, साथ में चाय तो लाजमी होती है। लेकिन कभी कभी मैं अब चाय कम कर रही हूँ क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, तो चाय ज़्यादा पीने से मुझे तो जलन होना शुरू हो जाती है, तो इस वजह से अब मैं चाय कम कर रही हूँ। तो कभी कभी आप ये, मैं काफ़ी दिनों के बाद ये नाश्ते में आज चाय ले रही हूँ। तो चले जी मैं नाश्ता करती हूँ, साथ बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, फुल वॉच करना है, और जी प्यारे प्यारे कॉमेंट्स भी करने हैं और अपने प्यारों में शेयर भी करना है, अपने बहन भाइयों में, अपने दोस्तों में और अपने रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। तो साथ में अभी बना रही हूँ, दोपहर का टाइम है, तकरीबन 12 का टाइम हो चुका है, और जी बच्चों के लिए खाना बनाने लगी हूँ। तो खाने में आज मैं बनाने लगी हूँ चिकन कढ़ाई, ये है 1 kg चिकन, और ये मैंने धनिया अच्छे से वॉश करके कट करके रख दिया है, ये है प्याज, प्याज मीडियम साइज़ के 3 काटे हैं, 2 टमाटर लिए हैं और 5 सब्ज़ मिर्चें बारीक बारीक सी हैं वो कट की हैं, अदरक लिया है और हरा लहसुन 7-8 वो जो लंबी लंबी सी उसकी होती हैं वो काटी हैं, और हरा लहसुन काटा है मैंने। तो कढ़ाई मैंने रख दी है, ये कढ़ाई मैंने रख दी है, अब मैं ऑयल डालती हूँ, ऑयल को अच्छे से गर्म करके प्याज को अच्छे से फ्राई करती हूँ। आज मैं बनाती हूँ थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से चिकन कढ़ाई, तो आप लोग भी साथ बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, फुल वॉच कीजिएगा ताकि आपको समझ आ सके रेसिपी कैसे बनी है। तो मेरे साथ बने रहिएगा, अभी मैं डालती हूँ इसमें घी, और घी अच्छे से गर्म होता है। तो फिर मैं जी यहाँ पे मैंने ना वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहा, तो मैंने प्याज डाल, घी डाल के गर्म किया अच्छे से, फिर मैंने उसमें प्याज डाल दिया, और अब ये देखिए लाइट ब्राउन हो चुके हैं, कलर चेंज हो चुका है प्याजों का। तो अब मैं डालूँगी इसमें टमाटर, सब्ज़ मिर्चें और हरा लहसुन जो मैंने कट करके रखा हुआ है। ये देखिए मैंने टमाटर, सब्ज़ मिर्च और हरा लहसुन जो कट किया हुआ था वो डाल दिया, अभी अदरक नहीं डाली, पहले इसको अच्छे से भून लें, और ये इसका टमाटर वगैरह अच्छे से भुन जाएंगे और इसका पेस्ट बन जाएगा, तो उसके बाद हम डालेंगे अदरक। तो चले मैं इसको भूनती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे। यहाँ पे मैंने चिकन डाल दिया, मसाला अच्छे से भुन गया था, और अब हम चिकन को अच्छे से भूनेंगे ताकि इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए, इसमें से जो स्मेल आती है चिकन की वो जो वो अच्छे से ख़त्म हो जाएगी। पहले अच्छे से भूनूंगी फिर उसके बाद बताती हूँ इसमें और क्या डालना है। तो चलें जी भूनने के बाद मैं मिलती हूँ आपसे। तो देखिए जी चिकन को मैंने अच्छे से भून लिया था, और हल्का सा मैंने पानी डाल दिया था ताकि थोड़ी सी ना ग्रेवी रहे, ग्रेवी बन जाए तो ग्रेवी के साथ मज़ा आता है खाना खाने में, रोटी खाने में। तो ये देखें जी अच्छी सी भून गया था, भून के मैंने पानी डाल दिया, और ये देखें मज़े की ये ग्रेवी बन गई गाढ़ी गाढ़ी सी, ये देखें। और अब मैं डालूँगी इसमें हरा धनिया जो कट करके रखा हुआ था मैंने, वो थोड़ा सा डाल देते हैं, और इसको करते हैं बंद, थोड़ा सा दम दे देते हैं, और जी मिक्स करें पहले इसको अच्छे से, ये मिक्स हो गया। और अब थोड़ा सा ऊपर से मैं ऐसे डाल के और जी दम लगा देती हूँ और फ्लेम को कर देती हूँ ऑफ। और आप लोगों को ये मेरी चिकन कढ़ाई की कढ़ाई, शोरबे वाली कढ़ाई है ये, थोड़ी सी हल्की सी ग्रेवी वाली कढ़ाई है, तो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और मज़े मज़े के कमेंट्स भी कीजिएगा।